रागिनी अट्टम में जो वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है वो क्या दूसरी नृत्य शैलियों से अलग है? हाँ, बहुत ही अलग है। कुछ वाद्यों आप देखते हैं वो शायद किसी और शैली में नहीं बजाया जाता है, जैसे कि एडक्या, जो कलाकार आप देखते हैं खड़े होके जो बजा रहे हैं, ये एक बहुत ही अनूठा एक वाद्य है, मंगल वाद्य है, जो मंदिरों में आज भी केरल के मंदिरों में आप देखेंगे तो बजाते हैं। ये एक कटहल के पेड़ का लकड़ी से बना हुआ है, एक छोटा सा एक ही है। इसमें एक जो आप देखते हैं एक चार छोटे छोटे लकड़ी के वो है पीसेस जो आप देखते हैं चार, ये चार वेदों का प्रतीक है। और ये जो ये रंगीन वुलन बॉल्स जो देखते हैं गेंद जैसे छोटे छोटे जो हैं, ये भी वो 64 आर्ट्स जो है उसके प्रतीक हैं। दे सिग्निफाई दीज 64 आर्ट्स। इसको हम बहुत ही पावन वाद्य मानते हैं, इसलिए ही इसीलिए इसको ज़मीन पे रख के नहीं बजाते हैं, इसको या तो दीवार पे टांग देते हैं बजाने के बाद या इसको खोल देते हैं। ये सिर्फ एक वाद्य नहीं है लेकिन इसमें संगीत रचनाएं भी बजाते हैं, सप्त स्वर बजाया जाता है इसमें। ये है दक्षिण भारत के एक प्रचलित वाद्य वीणा, जो बहुत ही एक पुरानी वाद्य है। मृदंगम जो है दक्षिण भारत के जो भी शास्त्रीय शैलियाँ हैं जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम, ये तीनों शैलियों में मृदंगम बजाते हैं। मोहिनीअट्टम में जैसे हम देखते हैं कि कथक नृत्य में जोर पद संचालन में देते हैं, ऐसे मोहिनीअट्टम में जोर हम बॉडी मूवमेंट को देते हैं, जिसको हम कहते हैं अति भंगा, जो कटी को हम यूं हिलाते हैं, इसी को इसके साथ ही सब मूवमेंट्स किया जाता है। जो शरीर को दो भाग डिवाइड किया जाता है, जैसे फुटवर्क जाते हैं उसके साथ ही बॉडी मूवमेंट्स भी हैं। इसमें मोहिनीअट्टम में भी पद संचालन के विभिन्न प्रकार के हैं। अभी एक करेंगे जिसमें आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं मयूर पादा, मयूर जैसे इसको मोर की तरह चल। वन टू जग जग जम थे ता जग जग जम थे ता जग जग जम थे ता जग जग जम। अभी एक और अड़बू दिखाएगी अदिति धगनम ग्रुप में से। वन टू धी की धिन्नम ता धिन्नम धी की धिन्नम ता धिन्नम धी की धिन्नम ता धिन्नम धी की धिन्नम ता धिन्नम। अभी इसमें आप देखे होंगे कि एक हॉप है, जिसको एक शरीर का और फुटवर्क में, जिसको हम कहते हैं मंडूग पादा। मंडूग इज ये मेंढक, मेंढक जैसे ये फुटवर्क आल्सो गोज। Thank you.
गुरु जी, क्या मोहिनीअट्टम में हर पात्र के लिए सफेद वस्त्र ही पहनते हैं? हाँ, मोहिनीअट्टम में पारंपरिक वस्त्र सफेद ही है, और आप देखेंगे कि केरल के बाकी जो शास्त्रीय शैलियों हैं, जैसे नंगियार कूत या स्त्री वेश, कथकली के जो स्त्री वेश हैं, उसमें भी सफ़ेद ही पहना जाता है। और एक बहुत ही अनोखी बात है कि केरल के जो एक प्राकृतिक सौंदर्य जो है, इसमें आप हरे भरे जो देखते हैं उसके अगेंस्ट आप देखें तो एक सफ़ेद जो ड्रेस जो साधारण लोग रोज़ाना यही पहनते हैं, और इसका एक बहुत ही सुंदर एक बैलेंस भी है। ये फ्रिल्स बहुत अच्छी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये तो आप देखते हैं कि इसके जो प्लीट्स हैं, ये बहुत ही जब अरमंडी में बैठते हैं, जैसे ये बहुत अच्छे फैलते हैं ना ये, और इसमें दो बहुत सुंदर लगता है। और फिर ये सफ़ेद के साथ ये भी जो ट्रेडिशनल जो जरी जो देखते हैं, ये भी एक बहुत ही पारंपरिक ये है, इसको कसब कहते हैं, और कभी कसब, और इसके साथ कभी दो लेयर्स बनते हैं, कभी तीन भी फैन बनते हैं। गुरु जी, आभूषण बहुत सुंदर है, पूछ रहा था क्या ये केरल के विशेष आभूषण है? हाँ, ये जैसे हम देखते हैं कि भरतनाट्यम के जो आभूषण है उसमें स्टोन्स के जो पत्थर के जो बनते हैं ना, टेम्पल ज्वेलरी जिसको कहते हैं, और ओडिसी में चांदी के पहनते हैं, लेकिन ये मोहिनीअट्टम में सोने के ही गहने पहने जाते हैं। और एक ये सोना या जो स्वर्ण जो है, ये एक प्योरिटी या शुद्धता का भी एक प्रतीक है। जी, हम देख रहे हैं कि इन्होंने ये जूड़ा बना रखा है, क्या ये मोहिनीअट्टम में जरूरी होता है? हमें ये बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा? तो आप मोहिनीअट्टम सीखेंगे? हाँ, ये देखो, ये जो आप देखते हैं, ये जो जूड़ा बना हुआ है, ये केरल का ही एक बहुत ट्रेडिशनल हेयरडू है। हाँ, जैसे हम केरल के मंदिरों में जाएंगे तो देखेंगे कि जो शिल्प जो हम देखते हैं उसमें भी इसी प्रकार के, इसी हेयर स्टाइल में हम वो डांस पोजेस होते हैं, और ये शायद ऐसे ही एक एक ट्रेडिशन इस मोहिनीअट्टम में इसको हम फॉलो करने लगे हैं। और फिर एक बिंदी और एक चंदन भी देखा आपने, तो ये मंदिरों से इतना जुड़ा हुआ है हमारे शास्त्रीय कलाएं, तो इसका एक सात्विक एक वो रूप होता है। भारती जी, मैं देख रही हूँ कि सफेद होने के बावजूद भी, वेशभूषा सफेद होने के बावजूद भी बहुत आकर्षक लगता है, आकर्षित करता है। और फिर ये सफेद कॉस्ट्यूम में आप जब एक मोहिनीअट्टम हम जब एक नृत्य देखते हैं, तो इसके जो आपने पहले जो देखा था, जो आंदोलिका, जो इसके जो मूवमेंट्स जो है, एक बहुत ही और हाँ सर्प जैसे, तो ये इस एक ऑडियंस को, रसिका को ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है ये, क्योंकि कॉस्ट्यूम सिंपल है, कलरफुल नहीं है, ये रंगीन हो तो शायद वो भी छिप जाए। भारती जी, इसका मतलब सादगी ही इसका सौंदर्य है, नहीं? हाँ हाँ, सादगी इसके सौंदर्य। बहुत शताब्दियों से केरल के मंदिरों में आज भी हम यदि गुरुवायूर टेम्पल या कहीं भी श्री कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि गर्भगृह में वहाँ पे सोपान संगीत या भक्ति रचनाएं गाए जाते हैं, जैसे खास तौर से गीत गोविंद के, जयदेव के जो गीत गोविंद है, अष्टपदी जिसको हम कहते हैं, आज भी गाते हैं। भगवान को यदि जगाना हो या सुलाना हो, एक अष्टपदी से ही किया जाता है आज भी। तो अभी आपने देखा वो एड़के जैसे एड़के जो कलाकार बजाते थे, उसके साथ ही ये भक्ति रचनाएं जैसे अष्टपदी गाए जाते हैं, और इसको हम कहते हैं कोटीपाड़ी सेवा। कोटीपाड़ी सेवा मतलब बजा के, कोटी पाड़ी मतलब गाकर, सेवा जो भगवान को सेवा करते हैं, इसको कोटीपाड़ी सेवा कहते हैं। इसी जो गीत गोविंद के अष्टपदी है, इसी से ही विजयलक्ष्मी अभी करने जा रही है। इसमें, इस अष्टपदी में वसंत का एक वर्णन है, जिसमें कृष्ण सुंदर गोपियों के साथ
रासलीला करते हैं, उनके साथ रासलीला करते हैं। और जो ये एक श्रृंगार रस का एक अंश है और जिसमें कृष्ण गोपियों के साथ करते हुए दूर से राधा देखकर उदास होती है, इसी का एक वर्णन है अभी जो विजयलक्ष्मी करने जा रही है। सरसम गीतम उच्चे सखचरी thank you.